हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, ये समझने के लिए आप समझिए कि आप अपने घर पे जो भी अप्लायंसेस लगाते हैं, चाहे वो फैन हो या बल्ब हो, तो आप उसके बॉडी पे देखेंगे तो उसका वोल्टेज लिखा होता है कि ये 220 वोल्ट पे चलेगा, 230 वोल्ट पे चलेगा। तो हर अप्लायंसेस का वोल्टेज जो होता है वो फिक्स होता है, कितना वोल्टेज इसको चाहिए, फिक्स वोल्टेज। अब वोल्टेज जो होता है वो मिलता कहाँ से, तो आंसर है ट्रांसफार्मर से मिलता है, है ना। ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है क्या वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमें तो लोड के अक्रॉस यानी कि हमारे अप्लायंसेस के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए 220 वोल्ट, तो क्या वो कांस्टेंट होता है। तो आइए हम इक्विवेलेंट सर्किट में चलते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट नहीं है, स्ट्रक्चर है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का। इसमें देखिए ये टर्मिनल वोल्टेज है ना, यही वोल्टेज हमारे बल्ब के अक्रॉस मिलने वाला है। तो जब ये ओपन सर्किटेड है ना, यानी कि लोड हमने नहीं लगाया है, तो जितना वोल्टेज हमने यहाँ पे ये जो जनरेट हुआ है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही वोल्टेज यहाँ पे अपेयर होता है नो लोड के केस में, यानी कि वी टू इज इक्वल टू आपका होता है ई टू। लेकिन जैसे ही हम लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ लोड कनेक्ट करते हैं, तो यहां से ये I2 करंट फ्लो होना शुरू होता है। I2 करंट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होता है, ये I2R2 और ये I2X2, जिसकी वजह से इस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ये टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाता है। तो अब तो हमें अपने अप्लायंसेस के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो चेंज हो जा रहा है इस रेजिस्टेंस की वजह से, इस रिएक्टेंस की वजह से, है ना। तो वोल्टेज चेंज कितना हो रहा है ये हम फाइंड आउट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की मदद से। तो हम ये समझ गए कि वोल्टेज रेगुलेशन में हमें चेंज इन वोल्टेज निकालना है, चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना चेंज आया। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है ये भी हमें जानना होगा कि क्या इस सर्किट में चेंज करने पे ये टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम यहाँ लोड लगाते हैं, यहाँ से करंट I2 फ्लो होना शुरू हो जाता है ना, ये इस तरीके से फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इस I2 की वजह से इस कोर में एक फ्लक्स जनरेट होता है, ये फ्लक्स, इस फ्लक्स का जो डायरेक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है मेन फ्लक्स के, यानी मेन फ्लक्स ऐसे आ रहा है तो ये फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में जाता है, जिसकी वजह से कोर में डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। अब इस डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को फुलफिल करने के लिए ये जो सोर्स वोल्टेज है ये एडिशनल करंट फ्लो करवाता है, जिसकी वजह से कोर में एक फ्लक्स जनरेट होता है जो कि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होता है इस फ्लक्स के, है ना, जो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी करंट की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है ये फ्लक्स। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने लोड लगाया तो यहाँ पे एडिशनल करंट फ्लो हुआ, और वो एडिशनल करंट कौन फ्लो करवा रहा है, तो प्राइमरी वोल्टेज, है ना, सोर्स वोल्टेज। तो सप्लाई जो है, सप्लाई अगर हम चेंज कर दें तो ये टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जब हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हमें प्राइमरी वोल्टेज को कांस्टेंट रखना होगा, ताकि
ताकि सेकेंडरी वोल्टेज जो है टर्मिनल वोल्टेज जिसमें हमने चेंज फाइंड आउट करना है वो चेंज ना हो। अगर चेंज हो जाएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का। तो एक चीज़ तो इस पर डिपेंड करता है, दूसरी बात कि टर्मिनल वोल्टेज, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक चीज़ पर डिपेंड करता है प्राइमरी वोल्टेज पे, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपका लोड कैसा है, लोड रेजिस्टिव है कि कैपेसिटिव है कि इंडक्टिव है, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर वाला लोड है, लैगिंग है, लीडिंग है, कैसा लोड है। तो लोड के ऊपर भी आपका टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है, तो पावर फैक्टर पे भी आपका डिपेंड करेगा कि टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो सकता है। तो जब भी हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन में हमें फाइंड करना है चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इन दो चीजों को कांस्टेंट रखेंगे, थोड़ा पर्टिकुलर कैलकुलेशन, ताकि हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल पाए। अगर ये चेंज हो जाएगा तो ये टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा, तो फिर कोई मकसद नहीं रहा वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का। तो इस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन का हमें डेफिनेशन ये मिलता है कि इट इज डिफाइंड एज द, चलिए मैं लिख लेता हूं उसे, इट इज डिफाइंड एज द, तो ये आपका डेफिनेशन है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द आर्थमेटिकल डिफरेंस। यहां पे ये ध्यान रखना है आर्थमेटिकल डिफरेंस, आर्थमेटिकल डिफरेंस मीन्स नंबर वाला डिफरेंस कि एग्जैक्टली वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट है, 420 वोल्ट है, फेजर वाला डिफरेंस नहीं है ना, फेजर डिफरेंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही, आर्थमेटिकल डिफरेंस की बात हो रही है। इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड एंड फुल लोड, एट नो लोड, जब नो लोड कंडीशन में, यानी कि E2 है ना, नो लोड के कंडीशन में आपका क्या होता है, ये नो लोड का कंडीशन है, नो लोड एंड फुल लोड, जब फुल लोड हमने लगा दिया तब कितना चेंज आया, फॉर अ गिवन पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर आपका सेम होना चाहिए विद द सेम वैल्यू ऑफ प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज भी आपका सेम होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन का डेफिनेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन चेंज इन वोल्टेज नो लोड से फुल लोड का है ना, नो लोड यानी कि E2 ही होगा टर्मिनल वोल्टेज, और फुल लोड में कोई वोल्टेज होगा जिसे हमने V2 लिखा है, डिवाइडेड बाय V2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अगर परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन को आप इंडिकेट करना चाहेंगे तो परसेंटेज रेगुलेशन इधर 100 लगा देंगे, ठीक है। तो ये है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। अब वोल्टेज रेगुलेशन जो है, अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है आपका, ये हमने बताया कि अलग अलग पावर फैक्टर के लिए, अलग अलग पावर फैक्टर के लिए अलग अलग होगा, तो हमें तीनों पावर फैक्टर के लिए, यानी कि यूनिटी के लिए भी, फिर लीडिंग के लिए भी एंड लैगिंग के लिए भी, तीनों के लिए कैलकुलेशन देखना होगा कि पावर फैक्टर का क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन में जाने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो हमें या तो प्राइमरी के सारे डाटा को सेकेंडरी में शिफ्ट करना होगा, या सेकेंडरी के सारे डाटा को प्राइमरी में शिफ्ट करना होगा, एक साइड करना होगा किसी भी साइड में, या प्राइमरी या फिर सेकेंडरी में। अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि हम जान रहे हैं, हम यहाँ पे अभी, हमने अभी जस्ट यहाँ पे समझा है कि ये टर्मिनल वोल्टेज ये इस पे भी डिपेंड करता है ना, तो इसका यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है ये भी तो फाइंड आउट करना जरूरी है, तो ये इसको इफेक्ट करता है, इसलिए इसके सारे डाटा को इस तरफ हम ले आते हैं। अब यहाँ पे R1 X1 भी इस तरफ आएगा, ये भी ऑब्वियसली इस तरफ आएगा सेकेंडरी साइड में, या फिर आप इसे भी इस तरफ भेज सकते हो,
लेकिन चूंकि हम जनरली लोड को तो हम सेकेंडरी साइड में ही लगाते हैं ना, इसलिए हम प्राइमरी को सेकेंडरी में शिफ्ट करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम एग्जैक्ट कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो टोटल रिएक्टेंस निकल जाएगा, तो टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, टोटल कितना रिएक्टेंस का ड्रॉप हो रहा है, ये हम निकाल सकें। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल वोल्टेज इस पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए जब भी हम वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करेंगे तो सारे प्राइमरी को सेकेंडरी में शिफ्ट करेंगे। अब हम इससे पहले हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू सेकेंडरी। वीडियो अगर वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप देख लेना। तो हम चलते हैं सीधे इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी पे। तो ये देखिए, ये सर्किट है इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू सेकेंडरी का, है ना। यहाँ पे हमने सारे प्राइमरी को सेकेंडरी में शिफ्ट कर दिया। देखिए, आर वन प्राइमरी से उठ के सेकेंडरी में चलाया तो आर वन डैश हो गया, एक्स वन उठ के प्राइमरी से सेकेंडरी में चलाया तो एक्स वन डैश हो गया। तो यहाँ पे हमने सारे को सेकेंडरी में शिफ्ट कर दिया है। अब हम चलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के कैलकुलेशन पे। तो वोल्टेज रेगुलेशन के कैलकुलेशन में हम शुरुआत करते हैं वो रेजिस्टिव लोड से, है ना। तीन तरीके के लोड होंगे, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। तो शुरुआत करते हैं रेजिस्टिव लोड से, और रेजिस्टिव लोड। तो रेजिस्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम जो है वो पहले बताया जा चुका है आप लोगों को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि कैसे ड्रॉ करते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं वहां से। फिलहाल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ रेजिस्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करते हैं, V2 को रेफरेंस फेजर ले लेते हैं। ये हो गया आपका V2। अब चूंकि लोड मेरा रेजिस्टिव है तो करंट जो होगा मेरा I2 वह भी सेम फेज में होगा, ये होगा आपका I2। अब ये जो करंट है I2, ये कहाँ से होके जा रहा है, तो इस RE2 से होके जा रहा है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि रेजिस्टेंस से है तो ये सेम फेज में होगा, तो ये हो जाएगा आपका I2 RE2। उसके बाद ये करंट जा रहा है XE2 में, और रिएक्टेंस के केस में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, तो ये हम ड्रॉ कर देंगे I2 XE2। क्लियर है। अब ये वोल्टेज और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, सब मिल करके क्या बनाएंगे, तो ये E2 बनाएंगे, है ना। यहीं से आ रहा है सारा, तो इसे हम इन तीनों का सबका वेक्टर सम कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका E2, ठीक है। अब इसका हम नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसे आप मान लीजिए ओ, यहां मान लीजिए आप ए, यहां पे मान लीजिए बी, यहां मान लीजिए डी, ठीक है। अब देखिए, ओडी स्क्वायर, ये जो ओडी का स्क्वायर है इसे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें E2 चाहिए, तो E2 क्या है, ओडी है, तो ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, OA, OA प्लस AB, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यही तो होगा ये। तो ये हो जाएगा OA प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर ये बन जाएगा ये। अब OA इज इक्वल टू जो है यहां पे
इक्वल टू कितना है, देखिए ओ ए की वैल्यू क्या है, वी टू, तो ओ ए इज इक्वल टू वी टू कॉमा ए बी की वैल्यू क्या है आपकी, ये ए बी आई टू आर ई टू, ए बी इज इक्वल टू आई टू आर ई टू, एंड बी डी की वैल्यू क्या है, ये बी डी, तो बी डी की वैल्यू है आई टू एक्स ई टू, ठीक है। अब इन सब के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा ओडी इज इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ ओडी भी लिख देता हूं मैं, ओडी इज इक्वल टू ई टू, तो ओडी इज इक्वल टू ई टू है, तो ई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए यानी के वी टू प्लस आई टू आर ई टू का होल स्क्वायर प्लस बी डी है आपका आई टू एक्स टू, आई टू एक्स ई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपको ई टी स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। अब अगर हम अंडर रूट कर देंगे, सिर्फ हमें ई टू चाहिए, यहां पे ई टू छूट गया है, तो ई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी टू प्लस आई टू आर ई टू का होल स्क्वायर प्लस आई टू एक्स ई टू का होल स्क्वायर, ये पता चल गया आपको ई टू की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में हम ई टू की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन फॉर रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो आइए पुट कर देते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन फॉर रेजिस्टिव लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू माइनस वी टू, तो ई टू की वैल्यू क्या मिली है, अंडर रूट वी टू प्लस आई टू आर ई टू तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। यहां से ई टू की वैल्यू, ये ई टू की वैल्यू वी टू आई टू आर ई टू का होल स्क्वायर प्लस आई टू एक्स ई टू का होल स्क्वायर, इस वैल्यू को हमने उठा करके यहां पे रख दिया है वी टू आर ई टू का, ये वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूला में, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिव लोड के लिए। अब हम चलेंगे वोल्टेज रेगुलेशन फॉर इंडक्टिव लोड, तब हमें इंडक्टिव लोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन देखना है। देखिए यहाँ पे लोड जो होगा वो आपका इंडक्टिव होगा, तो अब फिर से फॉर्मूला डेराइव करने के लिए लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, V2 को हम ले लेते हैं रेफरेंस फेजर के तौर पे, हमेशा जैसे लेते हैं, ये हो गया आपका V2। अब चूंकि ये इंडक्टिव लोड है तो आपका जो करंट होगा वो फाई एंगल से लैग करेगा, ये हो गया आपका I2। अब ये जो करंट है ये जाएगा रेजिस्टेंस के पास, तो रेजिस्टेंस में सेम फेज में ड्रॉ करते हैं हम, तो यहां से इसके पैरेलल सेम फेज में ड्रॉ कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपका I2 RE2, ठीक है। अब ये करंट आगे जाएगा इस इंडक्टेंस में, तो इंडक्टेंस के लिए 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, तो हम यहां से 90 डिग्री पे बना देंगे, ये हो जाएगा आपका आई टू एक्स ई टू, ठीक है। अब ये वी टू
और ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये और ये तीनों मिलके क्या बनाएगा? E2। तो इन तीनों का फेजर सम क्या मिलेगा हमें? E2। तो यहां से ये हो गया फेजर सम E2। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है E2 को, है ना। जैसे रेजिस्टिव के केस में हमने यहाँ पे E2 को फाइंड आउट किया था, ये E2 को फाइंड आउट किया था, उसी तरीके से इस केस में भी हमें E2 को फाइंड आउट करना है। तो E2 को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फिर से यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम से इस E2 की वैल्यू हम निकाल सके। तो हम इस फेजर डायग्राम में खुद से अपने मन से कुछ अजम्पशन कर लेते हैं और इस फेजर डायग्राम को एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए, एक ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसा, ठीक है। ये ट्रायंगल जब बनेगा ऐसे, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, ये ट्रायंगल जब बन जाएगा तो फिर हम E2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा P, तो H निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका हम नेमिंग कर देते हैं, चलिए ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C, ठीक है। अब फिर से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें इस AC का वैल्यू नहीं मालूम है, है ना। AC को हम क्या मानेंगे? कोई ना कुछ मान सकते हैं इसको? तो हम इसके रिस्पेक्ट में इस AC को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे बीच में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो ये हो गया आपका एक, और इसके पैरेलल में भी एक ड्रॉ कर लीजिए। ये जब आप पढ़ेंगे, जब हम इसको E2 को फाइंड आउट करेंगे, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं ये। तो अब हम निकाल सकते हैं इस AC को, यहां से ये निकाल लेंगे, इसे मान लेते हैं AB, ये होगा आपका E, ये हो गया आपका F। तो अब हम AB को निकाल सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, और इस BC को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, चलिए। सबसे पहले हमें चाहिए OC, ये, फिर चाहिए हमें ये I2X E2, यहां से C से लेके इसका। अच्छा, यहां पे नेमिंग मैंने इसका नहीं किया है, यह है O, यह है D, ठीक है। तो आइए मैं ये कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए OC और फिर चाहिए CD। तो OC इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? OC इज इक्वल टू OA प्लस AB प्लस BC लिख सकते हैं ना। तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ये हो गया। अब ओ ए की वैल्यू क्या है? वी टू। तो ओ ए इज इक्वल टू है आपका वी टू। ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना। तो ये क्या है? I2 RE2 है। यहाँ पे जो ये एंगल होगा वही एंगल ये भी होगा, phi, है ना, दोनों सेम फेज में है। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये एंगल है तो AE, AE cos phi 2, cos phi, है ना, AE cos phi। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? AE क्या है आपका? I2RE2 है ना। ये लेंथ देखिए, A से लेके E तक का क्या है? I2RE2 है। तो इसे लिख लीजिए I2RE2 और cos phi अपने जगह पे, ये आपको मिल गया AB। उसी तरीके से अगर हम BC निकालेंगे, तो BC निकालेंगे क्या? DE
साइन फाई टू, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, आई टू एक्स ई टू साइन फाई, ठीक है। यहां पे बी कैसे लिखा, बीसी को हमने, तो बीसी जो है ये जो है बीसी बराबर है ई एफ के, तो जितना बीसी है उतना ही ई एफ है, तो ई एफ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया बेस, ये हो गया एच, ये हो गया पी, तो डी ई साइन फाई, ठीक है, ई एफ के लिए, और जो ई एफ है वही बीसी है, और डी ई जो है यहाँ पे डी ई की वैल्यू क्या है, हमने ही ड्रॉ किया है इस रेड स्केच से, क्या है आई टू एक्स ई टू है, तो आई टू एक्स ई टू पुट कर दिया। अब यहां से हमें ओसी का कंप्लीट डाटा मिल गया है, ओ ए भी मिल चुका है, ए बी भी मिल चुका है और बी सी भी मिल चुका है, तो अब जो है हमें चाहिए था क्या, ई टू, तो ई टू के लिए देखिए यहां पे एक एंगल है किसके किसके बीच, ये यहां से लेकर के यहां ओसी और ई टू के बीच का ये एंगल है ना। अब आप बताइए कि ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत ही इफिशियंट डिवाइस होता है ना, इफिशियंट इंस्ट्रूमेंट जिसकी इफिशियंसी जो है 95% होती है, तो जिसके वजह से यहाँ पे समझाने के लिए जो है ये आई टू एक्स ई टू को मैंने काफ़ी बड़ा ड्रॉ किया है, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है ये आई टू एक्स ई टू बहुत ही छोटा होता है ना, तभी तो लॉस कम हो रहा है, तभी तो इफिशियंट डिवाइस है, 95% इफिशियंसी है जिस, तो इसका मतलब कि E2 जो है बिल्कुल ही नज़दीक होता है OC के, यानी कि ये जो एंगल है ये काफ़ी छोटा होता है, तो सिंस एंगल काफ़ी छोटा है इन दोनों के बीच का, तो E2 जो है वो बराबर नहीं होगा OC के, है ना, तो OC का वैल्यू हमें मिला है, इसी को हम E2 मानेंगे क्योंकि एंगल काफ़ी छोटा होता है, तो लिख लेंगे सिंस द एंगल बिटवीन OC एंड OD इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर OC इज इक्वल टू OD, ठीक है। अब यहां से OC यानी कि OD जो है कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC का वैल्यू हमें क्या मिला है, हम यहाँ पुट कर देंगे OA, OA यानी के V2 AB, है ना, AB क्या है I2 RE2 cos phi, हमने एंगल phi माना है इसलिए phi2 नहीं लिखेंगे, फिर BC, तो BC की वैल्यू क्या है I2 X E2 sin phi हो गया, ये मिल गया आपको E2 का वैल्यू। अब वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूला में इस E2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 प्लस I2 RE2 cos phi प्लस आई टू एक्स ई टू साइन फाइ माइनस, ये यहां से यहां तक क्या मिला आपको, ये है आपका कौन ई टू, अब वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है ई टू माइनस वी टू, तो वी टू डिवाइडेड बाय वी टू, तो ये वी टू इस वी टू को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, वोल्टेज रेगुलेशन फॉर इंडक्टिव लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टू आर ई टू कॉस फाई, फिर से मैंने यहां पे फाई टू लिख दिया, फाई टू काटिए, प्लस आई टू एक्स ई टू साइन फाई डिवाइडेड बाई वी टू, ये आपको फॉर्मूला मिला किसके लिए, इंडक्टिव लोड के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम कैपेसिटिव लोड के लिए भी निकाल सकते हैं, तो आगे चलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन फॉर कैपेसिटिव लोड।
और कैपेसिटिव लोड। इसका हम फिर से फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने हमेशा किया है, V2 को ले लीजिए रेफरेंस फेजर पे। अब चूंकि ये कैपेसिटिव लोड है तो करंट जो है वो लीड करेगा फाई एंगल से। तो ये हो गया आपका I2। यहाँ पे लोड कैपेसिटिव है, ये करंट जा रहा है इस रेजिस्टेंस के साथ, तो सेम फेज में होगा। तो सेम फेज में यहां से ड्रॉ कर लीजिए आप, ये हो गया सेम फेज में कौन, I2 RE2। फिर उसके बाद इंडक्टेंस आता है तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, ये हो गया आपका I2 XE2। अब ये और ये मिलकर के क्या बनाएगा, वोल्टेज ड्रॉप, ये बन जाएगा E2। क्लियर है? अब फिर से हम कुछ अजम्पशन करेंगे ताकि हम फाइंड आउट कर सके E2 की वैल्यू। ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये हो गया फेजर डायग्राम। यहाँ पे एंगल छूट गया है, V2 और I2 के बीच में फाई एंगल होगा, है ना, वही एंगल यहाँ भी होगा क्योंकि दोनों सेम फेज में होता है, ये भी फाई। क्लियर है? अब इसका हम नेमिंग कर लेते हैं इस फेजर डायग्राम में। ये हो गया आपका O, इसे मान लीजिए A, ये है आपका C, और ये जो पॉइंट है ये है आपका B, ये है E, ये हो गया आपका D। तो ये हो गया आपका नेमिंग कंप्लीट। अब हम फिर से वही काम करेंगे जो पिछले फेजर डायग्राम में हमने किया है। तो यहां से आप OC इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो OC इज इक्वल टू OA प्लस AB माइनस BC। OC इज इक्वल टू OA प्लस AB और माइनस BC, ये प्लस ये और इसमें से ये घटा दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं OA इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V2। OA इज इक्वल टू V2। AB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो AE cos phi 2। AB इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये जो AB है इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो AE cos phi 2। AE की वैल्यू क्या है, I2 RE2, यहां पे और ये हो जाएगा cos phi, ठीक है। अब हम BC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा DE साइन फाई। BC इज इक्वल टू DE, ये है आपका DE और साइन फाई। तो DE साइन फाई को हम क्या लिखेंगे, I2 XE2, क्योंकि DE जो है D और E ये क्या है, I2 XE2 है, तो I2 XE2 साइन फाई। क्लियर है? अब फिर से वही चीज कि OC और OD के बीच का जो एंगल है, ये OC और ये OD, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये काफी स्मॉल होता है। तो फिर से लिख लीजिए आप, सिंस द एंगल बिटवीन OC एंड OD इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर OC इज इक्वल टू OD, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, OC का इज इक्वल टू क्या आया, OA,
ओए की वैल्यू वी टू प्लस आई टू आर ई टू कॉस फाई माइनस बी सी, तो माइनस आई टू एक्स ई टू साइन फाई। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को वोल्टेज रेगुलेशन में पुट करेंगे तो फिर से क्या होगा, V से V कैंसिल हो जाएगा और हमें बचेगा क्या, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, I2 RE2 cos phi माइनस I2 XE2 sin phi, यही मिलेगा आपको डिवाइडेड बाय V2। ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हो गया कैपेसिटिव लोड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि नेगेटिव में सिर्फ कैपेसिटिव लोड में सिर्फ हमने माइनस कर दिया है और पॉजिटिव लोड में सिर्फ आप इंडक्टिव लोड में सिर्फ आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला में कैपेसिटिव और इंडक्टिव के लिए। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे, अगले लेक्चर में फिर।